अब यहाँ पर ना कुछ छोटे छोटे बटन्स भी आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटा सा एरो है, छोटा सा एरो है। अब ये है कॉमन रोल आउट्स। कॉमन रोल आउट्स में हमारे पास लेट से आ जाता है कोलैप्स स्टैक। कोलैप्स स्टैक में क्या होगा, जैसे मैं इसको कोलैप्स करूंगा, सब कुछ कोलैप्स करके वो मतलब यानी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हो गया, या कोई और मॉडिफायर लगा हुआ तो किसी वजह से एडिटेबल मैश भी हो सकता है। आप इसे यहीं से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी कर सकते हैं, यानी ये अब आपका पॉलीगॉन वाला ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अप्लाई एडिट पॉली मॉडिफायर, एडिट का पॉली का मॉडिफायर भी हम लगा सकते हैं यहीं से। और इसके अलावा कुछ थोड़े से ये जनरेट टोपोलॉजी वगैरह और सिमेट्री टूल्स हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं इस्तेमाल करता, मैंने कभी ऐसे इसको इस्तेमाल नहीं किया, और वैसे मैंने थोड़े बहुत किए हैं। जनरेट टोपोलॉजी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, किस सेंस में कर सकते हैं, लेट से मैंने अगर एक प्लेन बनाया और एक हमने कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड, मैंने इसमें कोई थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दी लेट से ऐसे ऐसे, और मैंने क्या किया, यहाँ से जाके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया। मैंने राइट क्लिक करके नहीं किया, क्योंकि मैंने जस्ट बता रहा हूँ कि दो तीन डिफरेंट तरीके हैं। अब मैं यहाँ पे किसी भी पैटर्न के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, उस पैटर्न को उसमें कन्वर्ट कर, यानी अब आपके पास ये मॉडल हुआ पैटर्न आ गया। कंट्रोल जी किया और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सोच क्यों रहा, कंट्रोल जी कंट्रोल जी, ये क्यों नहीं बन रहा, टाइल्स वाला बन गया ना, ब्रेक क्यों नहीं बन रहा। अच्छा चलो, बार हमारे पास नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी के ऊपर क्लिक कर, ये ब्रिक ही बना रहा है, नहीं कुछ और बना रहा है, टाइल्स बना रहा है, तो ये आपके पास ना पैटर्न फॉर्म में यानी के मॉडल हुआ हुआ, यानी कुछ पैटर्न्स है, जनरली प्रोसीजरल पैटर्न्स है। आप इसकी ना कुछ थोड़ा सा साइज वगैरह बड़ा कर सकते हैं, इटरेशन कर सकते हैं, और इसकी स्मूथनेस वगैरह आप कुछ चेंजेस करके ना स्मूथनेस वगैरह एडिट कर सकते हैं। गलत हो गया, कंट्रोल जी, ठीक हो गया, इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये, मास वाई कोई एक आधी चीज़ इसमें से होगी जो हमने शायद यूज़ की होगी कभी, ये अंडू की है, यानी आपने जो अपने वो है ना सर्कल्स को इस तरह चलाना है। लेकिन इसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है एक प्लगइन है जिसको कहते हैं फ्लोर जनरेटर, वो इधर नहीं इंस्टॉल है, फ्लोर जनरेटर, तो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाती है, क्योंकि फ्लोर जनरेटर जिस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपको बटनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया, सिमेट्री टूल्स हमारे पास आ गए, फुली इंटरेक्टिव आपने ऑन ही रखना है, क्योंकि ये आपको अपडेट देता रहेगा कि जो भी आप कुछ चेंज कर रहे हैं वो अपडेट क्या है। इसके बाद हमारे पास अगर हम चले जाएं तो हमारे पास ही कुछ टूल्स ग्रेड आउट हैं। अब ग्रेड आउट क्यों है, वो इसलिए ग्रेड आउट है कि आपको किसी सब ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की ज़रूरत है, यानी क्या है ये मॉडिफाई सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ यूवी से रिलेटेड टूल आ रहा है या ट्वीक आ रहा है, ये भी यूवी से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन भी शो कर रहा है कैसे, वो जो यूवी लगा हुआ आप उसको टेक्सचर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर यूवी चैनल कौन सा आपने ट्वीक करना है वो कर सकते हैं, रिपीट की कमांड ये हम इस्तेमाल करेंगे। बाद दफ़ा ये होता है कि हम लेट से किसी चीज़ को हमने एक्सट्रूड किया ऐसे ऐसे किया, अब मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करके मैं दोबारा बार बार रिपीट करता जाऊँ तो क्या होगा, वही जो कमांड है ना जो हमने परफॉर्म की हुई है दोबारा रिपीट हो रही है, और इसकी शॉर्टकट की भी है, वो है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप है, सॉरी कॉमा, इसकी शॉर्टकट की यहीं पे होती है, ये सॉरी ये क्या बटन है, तो क्या कहेंगे, हाइफन कहेंगे, ये जो जगह पे तक सेमी कॉलन होता है, ये इंच वाला निशान है। हाँ, आप इसको क्लिक करेंगे ना, लेट से आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया हुआ, लेट से मैंने ये तीन चार चीज़ों को ना एक्सट्रूड अभी मैंने परफॉर्म किया, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉलीगॉन मैंने सिलेक्ट किया है ना इनके ऊपर वही कमांड परफॉर्म हो। ठीक हो गया, कोई मुश्किल वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इसका आसान तरीका जिस तरह ये है, आपने कुछ
मतलब कोई इस तरह से कोई जाली शाली फेंस वगैरह बनानी, रेदर देन हैविंग टू एक ड्रॉ बॉक्स जिसको कहते हैं, यानी कि आप बॉक्स ड्रॉ करें और उसके बाद इस तरह काम करें, उसकी निस्बत आप एक प्लेन बना लें सादा सा, और उसमें आप विड्थ के अंदर सेगमेंट्स उतने ऐड कर दें। लेट से मैं कहता हूँ ये नहीं हमने ऐड करने, ये कर लें ऐसे इस तरह, या आप उसको जो भी आपकी वो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है वो, लेट से मैंने ये कुछ मैं कर देता हूँ। और इसको मैं एक्सट्रूड, ऐसे एक्सट्रूड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक है वो के स्ट्रक्चर बन जाता है। बाद में आप इनको डिलीट कर दें, यानी ये इसका फायदा ये कि जरा इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं ये सारे, आप इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एडिट इस तरह नहीं करना हमने, एडिट हम नया मॉडिफायर लगा के करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए अभी सिर्फ बताया। रिपीट हो गया, क्विक स्लाइस बड़ी अच्छी कमांड है, हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्विक स्लाइस से ये है कि क्लिक करके आपने किसी भी जगह पे ऐसे ड्रैग करना है, वहां पे एक एज लूप बन जाएगा, देख रहे हैं आप, थ्रू एंड थ्रू ऑल एंड ऑल जिसको कहते हैं ना सारे पॉलीगॉन के अंदर, यानी अब मैंने इसको क्लिक किया और क्विक स्लाइस ऐसे, ये एक ये लूप सीधी ऐड नहीं हुआ। आ रही, सीधी कैसे आएगी, फ्री फॉर्म है ये, नहीं तो ये शिफ्ट वाला नहीं है, सर्च करता है तो नहीं वो भी करना पड़ेगा सीधा। यार ये क्यों हो गया यार, बेसिक स्नैप। नहीं, वो तो हाँ मुझे हाँ वैसे ही एक पूछूं, जैसे हम शिफ्ट के साथ मतलब नहीं वो नहीं चीज़ इसमें अगर कोई क्विक स्नैप में कोई ऐसा हिसाब नहीं है, यानी ये फ्री फॉर्म टूल है। जिस वक्त आप पॉलीगॉन मॉडलिंग की तरफ आते हैं तो आप अपने जेन को ना जरा स्नैप्स वगैरह और इन चीज़ों से निकाल लें, क्योंकि ये है फ्री फॉर्म मॉडलिंग। ठीक है, फ्री फॉर्म मॉडलिंग का मतलब ये है कि आपके पास यानी कोई लिमिटेशन नहीं है किसी किस्म की, आप जिस तरह से चाहे मर्जी कर लें। अब अगर आपने इसको स्नैप करना है ना, ये किस लिए स्नैप में काम आता है, लेट से मैंने इसके नीचे कैड का प्लान लगाया हुआ, समझ रहे हो, लेट से मैंने कैड का प्लान जो कि मैं जल्दी से नहीं, फिर वो लंबा कहीं और चला जाएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट से नीचे कैड का प्लान लगा हुआ, उसमें विंडो लगी हुई है, मैंने एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया ऐसे, इसको मैंने अंडू कर लिया, और एडिट पॉली का मॉडिफायर लगा दिया, क्विक स्लाइस यहाँ पे लेट से विंडो है, मैं क्या करूँगा ऐसे, यूं यूं और यूं, इस तरह मैंने विंडो ड्रॉ कर ली, ठीक हो गया। अब इस तरह से विंडो ड्रॉ करने के पास हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम इसको बेवल वगैरह या कुछ और इस तरह से मूव वगैरह कर सकते हैं, और मैं इसको अप्लाई कर लूँ, फिर उसके बाद मैं इसको इंसर्ट कर लूँ ऐसे हल्का सा, ओ, ऐसे अप्लाई कर लिया, नीचे दोबारा वापस चला गया, एक्सट्रूजन ख़त्म की, एक्सट्रूजन ऑन कर ली, ओके कर ली, अभी हमारे पास इस तरह से कोई फ्रेम भी बन गया, ठीक हो गया। लेकिन अगेन पॉइंट वही रखना, हमने जैसे बनाना स्प्लाइन से है, समझ रहे हैं आप, जिस तरह उस दिन आपको बता के दिखाया था कि एलिवेशन के लिए बनाना स्प्लाइन से ही है, उसके बाद उसके ऊपर एक्सट्रूड का मॉडिफायर लगाया, फिर उसके ऊपर एडिट पॉली के मॉडिफायर लगाना है, ताकि हम किसी भी टाइम पे वापस जा सकें। ठीक कुछ है, चेंज करना है फिर एडिट बोल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, कुछ चेंज करना है आपने एडिट पॉली, लेकिन एडिट पॉली भी एक लेवल तक चेंज होता है, यानी जैसे इसमें वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दूंगा ना, फिर आप वापस टैग में जाएंगे ना तो ये वार्निंग आएगी, अ मॉडिफायर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन स्टैक दैट डिपेंड्स अपॉन द टोपोलॉजी, चेंजिंग द पैरामीटर्स मे हैव अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। अब ये टोपोलॉजी जो है ना, ये एक बड़ा क्रूशल क्रिटिकल वर्ड है, टोपोलॉजी को हम आगे आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करते जाएंगे। मेरा मैं चाह रहा हूँ कि आज हम जितना जल्दी हो सकता है ना, जितने जल्दी ये टूल्स जो है ना उनको हम कवर अप कर लें, मैं सिर्फ नज़रों के सामने से गुजारना चाह रहा हूँ कि ये टूल्स हैं, जिस वक्त अभी हम करेंगे ना आगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। अच्छा, स्विफ्ट लूप क्या है, स्विफ्ट लूप एडिटेबल पॉली पे मैंने क्लिक किया, स्विफ्ट लूप पे क्लिक किया, अब क्या है जी, जस्ट सिंपल आपको लूप इंसर्ट करने दे रहा, किस जगह पे, इधर 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 और इधर,
इसको कहते हैं एज, यानी बेसिकली अगर आपने, जैसे मैं कुछ बॉक्स बनाऊंगा यूं, इसके ऊपर मैं एक मॉडिफायर लगाता हूँ टर्बो स्मूथ, टर्बो स्मूथ मॉडिफायर ऑन कर लूँ बड़ा, चलो ठीक हो। आपने देखा है कि वो जो बॉक्स है ना, उसने अपनी बॉक्सी फॉर्म खो दी हुई है, ठीक है, यानी उसके पास बॉक्स वाली फॉर्म नहीं रही। क्या हुआ, स्टैक में नीचे जाता हूँ, शो एंड रिजल्ट ऑफ करता हूँ, बॉक्स वाली फॉर्म नहीं रही। अब एडिटेबल पॉली हमें किस चीज़ को किस तरह से मॉडल करने देती है, समझना आपने क्या है। अब मैं जो करने लगा हूँ, लेट से मैं एजेस को टाइट करने लगा, ये टेक्निक होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे, स्विफ्ट लूप सेलेक्ट किया, एक लूप ऐड किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट सिर्फ देखना, मैंने सिर्फ लूप ऐड किया, एंड रिजल्ट ऑन किया, क्या हुआ, शेप टोटली चेंज हो गई। उसने उसको रोक दिया ऐसे। हाँ, यानी टाइटनेस आ गई है, इसको कहते हैं वेटिंग, ठीक है। ये जो असल जो पॉली मॉडलिंग है ना, वो ये है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, ठीक है। दोबारा मैं इसको अंडू कर दिया, अंडू नहीं करता, वापस आया। अब मैं लूप की तरह ऐड करूंगा, इस जगह पे ऐड करूंगा, क्या हुआ, अब एज टाइट यहाँ पे कर दी, यानी एज की वेटिंग यहाँ पे ऐड हो गई मजीद, शो एंड रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ये हार्ड एज जो है ना, ये हार्ड एज हो गई, ठीक है। ऑफ किया मैंने, दोबारा वायर फ्रेम में आ जाऊंगा। अब मैं इसी तरह ये जो लूप्स है ना, सारे बारी बारी ऐड करूंगा, इधर ऐड किया, इधर ऐड किया, और इधर भी ऐड किया, शो एंड रिजल्ट, ऊपर बिल्कुल स्मूथ हो गया। टर्बो स्मूथ के ऊपर जाके मैं जरा एक बटन ऑन कर रहा हूँ, आइसोलाइन डिस्प्ले, ताकि हम सिर्फ उसको एक बेसिक लेवल के ऊपर देख सकें। अच्छा, ये वो जैसे फिलर करते हैं हाँ, फिलेट से आप इसको तशबीह दे सकते हैं, लेकिन ये फिलेट कुछ और चीज़ है। वापस आऊँ, शो एंड, अच्छा अभी आप देख रहे हैं नीचे से वो स्मूथ है उसी तरह, शो एंड रिजल्ट दोबारा ऑन किया, और स्विफ्ट लूप थोड़ा सा ऐड कर लिया। अच्छा, अब अभी तो मैंने यहाँ पे ऐड किया ना, बिल्कुल ऊपर आप देख रहे हैं लूप बिल्कुल ऐड किया, लेट से मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, शो एंड रिजल्ट ऑन करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि वो जो उसकी स्मूथनेस और वो जो टाइटनेस है उसकी, वो थोड़ी सी उसकी निस्बत, ये जो ऊपर एज बन रहा है उसकी निस्बत थोड़ा सी यहाँ पर राउंडनेस ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि आपको जो बॉक्स है वो परफेक्टली स्मूथ हो गया, और उसने अपनी क्या, तकरीबन ओरिजिनल फॉर्म रिटेन कर लिया। दोबारा मैं इधर वापस आता हूँ, और ये जो लूप है ना, इसको मैं मूव करके नीचे ले जाता हूँ। अब क्या हुआ, हमारे पास वो परफेक्ट क्यूब आ गया, यानी स्मूथ फॉर्म। अब इधर एडवांटेज क्या होगा, लेट से मैंने यहाँ पे कुछ लूप्स ऐड करने हैं, क्लिक किया और मैं जस्ट सिंपल, वेरी सिंपल कनेक्ट ऐड कर देता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, कनेक्ट ऐड कर देता हूँ, बल्कि इसको मुझे दो तीन करने चाहिए कनेक्ट, यार ही ज़्यादा आगे चला जाएगा, इधर नहीं जाते हैं हम, पहले इसको फर्दर नीचे पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, स्विफ्ट लूप हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि लूप इंसर्ट करने के लिए, उसके बाद हमारे पास कट टूल आ जाता है। कट टूल के बगैर जो है ना, हमारा मतलब मॉडलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अब कट टूल क्या काम करता है, आप किसी भी जगह पर क्लिक करके तो आप वहाँ पे कट लगा सकते हैं पॉलीगॉन, यानी ऐसी फ्रीडम मॉडलिंग की आपको स्प्लाइंस में नहीं मिलती, फुल स्टॉप। यानी आप स्प्लाइन में कोई ऐसी ऑर्गेनिक शेप या कोई भी इस तरह की डिफरेंट शेप नहीं बना सकते, लेट से सेगमेंट से ऐड करते हाँ सेगमेंट नहीं, आप इसको पॉलीगॉन कहेंगे, क्योंकि सेगमेंट डिफरेंट चीज सारी चीजें ऐड हो रही हैं सर, है नहीं, वर्टेक्स भी हैं हाँ वो ऑब्जेक्ट्स वर्टेक्स बिल्कुल ऐसे ही है, सब ऑब्जेक्ट्स लेवल के ऊपर, हाँ टेक्निकली आप कह सकते हैं, लेकिन जो इसकी जो जो टॉकिंग लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे ना, फॉर्म में वो हम कहेंगे कि हम इसको पॉलीगॉन ऐड कर पॉलीगॉन। रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से इस पोर्शन को मैं एक्सट्रूड कर सकता,
ठीक हो गया। तो ये एक ऐसी फॉर्म बन गई है जो आपको स्प्लाइन में इस तरह से ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। आपको एक अलग से ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर लागू करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने देखा है कि मैं टर्बो स्मूथ लगा हुआ तो कुछ और फॉर्म बन गई उसकी ऑर्गेनिक सी। अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, स्विफ्ट लूप ऐड करके कहाँ जहाँ जहाँ पे हमें इसकी टाइटनेस चाहिए, लेट्स से ये ऊपर से मैं चाहता हूँ। अच्छा, अब ये यहाँ से बिल्कुल राउंड हो जाएगा, देखें ये राउंड हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये अपनी फॉर्म रिटेन रखे तो मैं इसको लूप को थोड़ा सा दूर या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन करीब कर सकते हैं, ठीक है। दूर किया मैंने तो क्या हुआ, स्मूथनेस आपने देखी ऐसे। जो पॉलीगॉन मॉडलिंग से जो मॉडल बनता है ना उसका ऑल्टरनेट कोई नहीं है। आप जो हॉल ऑफ इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, स्प्लाइन कर लें, एक्सट्रूड कर लें वगैरह वगैरह जो मर्जी कर लें, जो क्लीनलीनेस और जो ज्योमेट्री कि स्मूथनेस है ना पॉली से बनेगी ना, वो किसी से भी नहीं बनेगी। वो कभी 3 पॉइंट को क्लिक करना होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे होती नहीं नहीं है। नहीं, कट कट ही टूल या कि आप किसी भी पॉलीगॉन करना, यानी अब मैं फिर एक प्लेन बना ड्रॉ कर लेते हैं। कट टूल क्या काम करता है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। कट से आप अपने एजेस या वर्टिसेस या पॉलीगॉन, पकड़ के ड्रैग करना है। नहीं लेफ्ट क्लिक, सिर्फ एक दफा क्लिक कर रहा हूँ इधर से कहीं पे भी। टूल का आइकॉन देखना आपने, अभी कैसा आइकॉन है, छोटा सा मार्किंग है और एक ऊपर आ रहा है, चेंज हो गया ना ऐसे करके एज साइज बना हुआ आ गया। मैं तो चाहूँगा क्या हुआ, चेंज हो गया। अब ये आपने ना कट लगाते हुए इंडिकेशन देखनी है कि पॉलीगॉन के ऊपर तो नहीं लग रहा। राइट क्लिक से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट क्लिक से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक दफ़ा क्लिक किया इधर से इधर तक एक एज लगा दिया। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, लेट से मैं पॉलीगॉन में जाके इसको सिलेक्ट किया और सेम उसी तरह मैं इसको डिटैच कर दूँ। अब क्या हुआ, हमारे पास दो सेपरेट सर्फेस आ, ठीक है। यानी आपके पास पॉसिबिलिटीज जो हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक हो गया। थोड़ी बहुत क्लियर हुई। कट टूल कहीं पे भी मैं चाहूँ तो सेंटर में भी लगा सकता हूँ कट, ऐसे 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 और ऐसे, यू। अब आपने देखा है दरम्यान में मैं कट लगाया ना मैंने, उसने एक एज लाजमी बनाया। उसकी वजह ये है कि कट टूल को होल्ड करने के लिए ना, ये जो ज्योमेट्री दरमियान में बनाई है ना, इसको होल्ड करने के लिए पॉलीगॉन का ना एक एज चाहिए होता है, उसके बगैर ये शेप ड्रॉ नहीं हो सकती पॉलीगॉन। अगर मैं पॉलीगॉन को अब जाकर सेलेक्ट करूंगा ना मैं उसको और इसी तरह सिंपली एक्सट्रूड करूंगा, तो ये आपकी शेप एक्सट्रूड होगी।